नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं आईबीएन 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा को बताए जाने के बाद पूरे प्रदेश में जहाँ जश्न का माहौल है, वहीं देवास के बीजेपी कार्यालय पर भी कार्यकर्ताओं ने फटाके फोड़कर जश्न मनाया है, जहां बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता विष्णु दत्त शर्मा के साथ विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने उनके पुराने अनुभवों को भी और उनकी कार्यप्रणाली को भी बताया। जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने आज मध्य प्रदेश में सम्माननीय वी डी शर्मा जी को, जो खजुराहो से सांसद है, उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वास्तव में आदरणीय वी डी शर्मा जी एक कुशल संगठक रहे हैं। बचपन से संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक संगठन महामंत्री के रूप में काम किया और पिछले कार्यकाल में माननीय प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी के साथ प्रदेश महामंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहे थे। एक बहुत अच्छे कुशल संगठक है, कार्यकर्ताओं की पीड़ा को अच्छे से जानते हैं और किस प्रकार कार्यकर्ताओं से कार्य कराना, ये अच्छे से उनको अनुभव है। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में आने वाले मध्य प्रदेश में स्थानीय समितियों के सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विद्यार्थी परिषद के समय से मेरे मार्गदर्शक रहे आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा, वी डी शर्मा जो अभी वर्तमान में खजुराहो से सांसद हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की कमान उस समय सौंपी है जब हम यहाँ सत्ता में नहीं है। संघर्ष का समय है और संघर्ष के समय एक संघर्ष सिर्फ कार्यकर्ता को प्रदेश संगठन की कमान सौंपना निश्चित रूप से दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी ताकत के साथ संघर्ष के साथ इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध खड़ी होगी। एक सशक्त नेतृत्व और ऊर्जावान नेता मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज अध्यक्ष को उन्हें दायित्व मिला है। निश्चित तौर पे पूरे मध्य प्रदेश में एक कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर है, क्योंकि जमीनी कार्यकर्ता जब संगठन में कार्य करता है तो निश्चित तौर पे उस संगठन का विस्तार ही होता है। और विद्यार्थी परिषद से लेकर आज तक विष्णु दत्त जी ने जैसे संगठन मजबूती करने के कई कार्य किए, इसी के अवसर पर आज देवास में भी विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर खुशी मनाई और उनको बधाई दी और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। आप सबसे पहले मैं आदरणीय वी डी शर्मा जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते उन्होंने बहुत बचपन से ही संगठन का काम करा है और विद्यार्थी परिषद का काम उन्होंने बहुत नीचे से चालू किया। पूरे प्रदेश में आदरणीय वी डी शर्मा जी का परिचय है, संपर्क है और ऐसे समय में उन्होंने काम किया जब कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कई आंदोलनों में संघर्ष किया। ऐसे संघर्षशील नेतृत्व को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ मध्य प्रदेश की कमान संभाली है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत उनके मार्गदर्शन ऊंचाइयों तक पहुंचेगी, क्योंकि उनका परिचय और संपर्क हर तहसील हर विधानसभा में। आने वाले चुनाव में जैसे आदरणीय नंद भैया ने बताया कि आने वाले चुनाव में जो हमारे नगरीय निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव, सब चुनावों में हम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आईबीएन 9 न्यूज में। हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें।